आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें पीछे हमने जो कुछ भी पढ़ लिया है उसके आगे की बात करेंगे। हम आज हम 6 टाइप का जो क्वेश्चन होता है विशेष फलन का, आज वो क्वेश्चन हम करेंगे और थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। इसकी थियरी थोड़ी सी लिख के हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या है। देखिए, इस तरह का जो भी इंटीग्रेशन होगा उसकी पहली कंडीशन इस तरह का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन आप ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स ये होता है। यानी देखिए, ई टू द पावर एक्स होगा, अब ब्रैकेट में जो होगा एक फंक्शन का अवकलन अगर करेंगे तो दूसरा फंक्शन उसी में रहेगा। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। लेकिन हमें ये फार्मूले के रूप में यूज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम है तो सीधे लिख देंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, ई टू द पावर एक्स को बाहर रखिए तो दो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन टूटना चाहिए, पहला और ये दूसरा। तो इसमें से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो ऐसे कंडीशन में ई टू द पावर एक्स एफ एक्स क्या होता है, वही इंटीग्रेशन होता है। लेकिन हम यहाँ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे जैसे सीधे रिजल्ट बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है, सीधे रिजल्ट देखिए। अगर ये आपका ई टू द पावर एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, तो एफ एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स होगा। बिना देखे आप बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन होगा। ऐसा कैसे, अगर e टू द पावर, जैसे मान लीजिए इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स है, तो सीधे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें इसमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हल कैसे करते हैं इसको, हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ लेते हैं। देखिए, हमने तोड़ा e टू द पावर एक्स का गुणा करेंगे साइन एक्स में, तो e टू द पावर एक्स साइन एक्स एक इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा प्लस e टू द पावर एक्स का कास एक्स में गुणा करेंगे तो e टू द पावर एक्स कास एक्स डी एक्स। अब देखिए, एक दो पहला इंटीग्रेशन दूसरा इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्रेजेंट है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है हम उसी वाले का, इसका प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रेशन वाई पार्ट से हम समाकलन करेंगे और यहाँ जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इस पर कोई प्रोसेस नहीं करेंगे, जैसा है सिर्फ इंटीग्रेशन लास्ट तक लिखते आएंगे। अब यहाँ देखिए, आइलेट के हिसाब से आप जानते हैं ई एक्सपोनेंशियल टर्म अगर इसमें है तो वो सबसे लास्ट का ही होता है, आइलेट में ई सबसे लास्ट में आता है, तो हमेशा ई टू द पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन रहना ही रहना है। यहाँ पर साइन एक्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन होगा। अब देखिए, साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन है, फार्मूला लागू करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और प्लस ये जो है आपका ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, इसको हम ऐसे ही रखते आ रहे हैं। देखिए, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स को हमने क्या है, ऐसे ही रख लिया है जैसा ऊपर था, प्लस चिन्ह के साथ वैसे ही हम नीचे की तरफ उसको लिखते आएंगे। इस पर कोई प्रोसेस नहीं करना हमें। हम इसमें इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स का फार्मूला लागू किया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डी डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डी डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, तो ये देखिए कॉस एक्स यहाँ पे लिखा हमने। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही होगा, और प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये पहले से यहाँ से हम लिखते आ रहे हैं शुरू से। इसी इंटीग्रेशन को हमने कहा था कि इस पर कोई प्रोसेस हम नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखते चले आएंगे। अब देखिए हुआ क्या, लास्ट में यहाँ माइनस चिन्ह के साथ है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, और यहाँ प्लस चिन्ह के साथ है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अब ये प्लस माइनस वाला कट गया, तो बचा क्या, ई टू द पावर एक्स को हम पहले लिख ले रहे हैं, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉन टेन सी। अब वैसे ही बताया था मैंने, इस फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो इसका क्या होता है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है।
तो इस तरह से विशेष फलन का जब हम समाकलन करेंगे तो उसमें e टू द पावर x प्रेजेंट रहेगा। अब e टू द पावर x को हटा देते हैं हम, दिए हुए जो भी फंक्शन बचता है उसको दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, यानी प्लस चिन्ह के साथ वो जुड़ा होना चाहिए। अब उनको उसमें से देखेंगे तो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, कोई एक फंक्शन होगा जो दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो हम जिसका डिफरेंशिएशन होता है उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल और इसी का एक और क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए एक्स ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये है तो विशेष पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है, विशेष फलन का समाकलन है। अब इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को एक दो बार रिवाइज करिए तो ज़्यादा अभ्यस्त होंगे करने में और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखिए हम सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है कि किसी भी तरह से इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाए। यानी अगर यहाँ x है, e टू द पावर x को छोड़ दीजिए, x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट का मतलब क्या हुआ, ये दो फंक्शन में टूट जाए, एक तो पहला पद फिर प्लस या माइनस दूसरा, इस तरह से हमें करना है। तो देखिए x अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम प्लस वन कर दें और माइनस वन कर दें, एक जोड़ रहे हैं एक घटा रहे हैं, और किसी भी चीज़ में अगर जीरो जोड़ा जाए तो उसके मान पे कोई अंतर नहीं आता है, वही का वही रहता है वो। तो यहाँ हमने क्या किया, एक जोड़ा और एक घटा दिया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वन को एक साथ रखेंगे अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर माइनस वन अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे वही काम किया, x प्लस वन और माइनस वन, या x में वन जोड़ लिया और वन घटा दिया, तो x प्लस वन माइनस वन ई टू द पावर x अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग करिए, देखिए x प्लस वन ई टू द पावर x, देखिए ई टू द पावर x का हमने x प्लस वन को एक साथ लिया, x प्लस वन ई टू द पावर x माइनस माइनस वन वाले में क्या किया, ई टू द पावर एक्स का गुणा किया, माइनस ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब जैसे डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को प्लस या माइनस के साथ अगर है तो जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, ठीक वही उल्टा प्रोसेस इसको हम अलग कर सकते हैं। यानी एक को लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस दूसरा क्या होगा, ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ऊपर भी पहले वाले में, इसमें ऊपर भी एक्स प्लस वन है, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ बच जाएगा आपका वन अपान एक्स प्लस वन, दो घात है इसका, एक घात कम हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बताया एक फंक्शन e टू द पावर x को अगर हटा देंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंटीग्रेशन पहले ही तोड़ लिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहीं पे तो ये e टू द पावर x को अगर मान लीजिए हम कॉमन लें तो क्या बचेगा, वन अपान x प्लस वन ये बचेगा, और माइनस वन अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन ये है, यानी यहाँ अगर देखा जाए हम इसकी बात कर रहे हैं, वन अपान x प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, वन अपान x प्लस वन, देख लीजिए वन अपान एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, डी डी एक्स ऑफ वन अपान एक्स प्लस वन ये है। तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ
एफ प्लस वन पे पावर माइनस वन, तो माइनस वन एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन माइनस वन, ये हो गया माइनस वन अपान एक्स प्लस वन का पे पावर माइनस, यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस टू होगा तो इसको लिख सकते हो वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए यही एक्स वन अपान एक्स प्लस वन का क्या आया, माइनस वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए वही यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज जैसा वैसा रोक देंगे, लिखते रहेंगे। देखिए यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, लास्ट तक लिख रहे हैं इसको। इस पर कोई प्रोसेस हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसा है माइनस चिन्ह लगा के लिखते रहेंगे। इसकी बात करते हैं हम, इसमें क्या है वन अपान एक्स प्लस वन है, कहाँ जा रहा है थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसे देखिए। अब वन अपान एक्स प्लस वन को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ई टू द पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन। तो होता क्या है, दो फंक्शन का अगर गुणा है तो सूत्र क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी वन अपान एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का एक चिन्ह होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ वन बाई वन एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स और ये ब्रैकेट बंद, फिर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम, वन अपान एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर डी एक्स और ब्रैकेट वन, फिर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ ई टू द पावर एक्स का ऑलरेडी इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स लिख ही लिया हमने, वन अपान एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स माइनस, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस वन एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन माइनस वन e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये जैसा है ऊपर से वैसे ही लिखते आ रहे हैं, वन अपान एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स, यहाँ देखिए माइनस वन है ये बाहर, माइनस 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 का उड़ा क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स प्लस वन पे पावर माइनस टू यानी वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ हुआ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ देखिए सेम इंटीग्रेशन यहाँ आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ये हुआ आपका इक्वल टू वन अपान एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स प्लस कॉन्टेंट सी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम विशेष तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ था उसका हमने इंटीग्रेशन किया। अब जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अभी हमने इसका इंटीग्रेशन ज्ञात किया, ये विशेष फलन का ही इंटीग्रेशन था। अब ये इंटीग्रेशन जो है हमें देख के पता चल जाता है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि इसी टाइप का ये क्वेश्चन है और इसी तरह से ये सॉल्व होगा, इसीलिए इसको क्या है एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। अभी एक दो क्वेश्चन और देखेंगे आपको तो थोड़ी और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, अब क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में उसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है तो जिसका डिफ्रेंशिएशन दिया है उसी को हम क्या करेंगे टी मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। देखिए यहाँ पे है हम जी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, देखिए
अब आप जानते हैं इम्प्लाइज दैट पहले ही लिख दिया हमने कि x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू साइन टी होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 − x2। और t का क्या होगा, dt dx को उस तरफ ले जाइए तो 1/√1 − x2 dx इक्वल टू dt। यानी जहाँ 1/√1 − x2 dx है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, dt। और जहाँ साइन इनवर्स x है वहाँ t, जहाँ x है वहाँ साइन t। ये सब हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो आइए देखते हैं जहाँ आ गए हम। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x को हमने क्या माना, t। तो देखिए यहाँ पे आ गया t। x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू साइन t। तो यहाँ पे हमने x की जगह साइन t रख दिया। dx/√1 − x2 की जगह क्या है, dt। अब देख रहे हैं आप ये इंटीग्रेशन उचित प्रतिस्थापन करके हमने क्या किया, वेरिएबल x के डिफ्रेंशिएशन को, इंटीग्रेशन को t में चेंज कर लिया। साथ ही साथ ये छोटा भी हो गया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का सहारा लेके अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो करिए, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो साइन टी है, दूसरा क्या है, टी है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एलजेब्रिक फंक्शन है। अब आई लेट में देखिए आई एल के बाद क्या आता है, ए आता है, तब टी आता है। यानी पहले ए आएगा फिर टी आएगा, तो ए वाला फर्स्ट फंक्शन और टी सेकेंड फंक्शन। तो देखिए हमने क्या किया कि टी को जो है आइलेट में ए मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन क्या है, टी है। तो इसको टी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो आइलेट में बाद में आता है, तो साइन टी को सेकेंड फंक्शन हमने मान लिया। अब देखिए ये जो दिया हुआ क्वेश्चन था, हमने क्या है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बदल दिया हमने। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम इसको बदल दिए हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का स्वाभाविक का फार्मूला भी लगाएंगे। फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। देखिए फार्मूला लागू किया हमने यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन यानी टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी dt इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो होल का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हमने टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी dt यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी का 1 होगा। और यहाँ साइन टी का क्या होगा, माइनस कॉस टी। और देखिए यहाँ पे टी के बाहर चिन्ह प्लस है और कॉस का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस टी कॉस टी। और यहाँ कॉस का चिन्ह माइनस, इसके बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt। अब माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी प्लस कॉन्टेंट सी। तो अब तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन किस वेरिएबल में दिया था, एक्स में, हमने क्या माना बाद में टी, तो हम इस टी को एक्स में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, वो यहाँ पे हमने माना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, टी। तो जहाँ टी होगा वहाँ साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, इम्प्लाइज करेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन टी। यानी जहाँ साइन टी होगा वहाँ एक्स रखेंगे। तो आइए रखते हैं, देखिए कॉस टी को, टी कॉस टी है, तो कॉस टी को लिखा जा सकता है √1 − sin²t, क्योंकि कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू √1 − sin²2। क्यों साइन में बदल रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यू हमें साइन में पता है, साइन टी इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए टी की जगह क्या है, हमने साइन इनवर्स एक्स को ही टी माना, तो टी की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट
वन माइनस साइन टी इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू साइन टी, तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर टी, तो यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी इक्वल टू क्या है एक्स और प्लस कॉन्टेंट सी। तो इस तरह से आपने देखा एक क्वेश्चन नंबर 16 हमने बताया, जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके हम दिए हुए इंटीग्रेशन को छोटा कर लेते हैं और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बदल लेते हैं, जिससे क्वेश्चन क्या होता है ईजी हो जाता है और आसानी के साथ लग जाता है। यहाँ पे आइए एक और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28। चलिए देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखेंगे क्या करना है। दिया हुआ है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ x log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन। अब आइए हम देखते हैं किस तरह से ये है। यहाँ पे देख सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये दो फंक्शन का गुणा है। कौन कौन से? एक तो x का गुणा है, दूसरा log 1 प्लस एक्स। इन दोनों का क्या है आपस में? दोनों का गुणा है। तो हम क्या करेंगे, अब जब हम गुणन का सूत्र जानते हैं, हम उसी सूत्र का उपयोग करके इसको आसानी से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले समस्या क्या आती है, किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए और किसको सेकंड फंक्शन माना जाए। हम देखिए यहाँ पे आईलेट का ही यूज करते हैं। आईलेट में क्या होता है, आई एल ए टी ई। यहाँ पे देखिए एल लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, एल है, और एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल पहले ए बाद में, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और एलजेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, आइलेट के अनुसार हमने लॉग को फर्स्ट फंक्शन और एक्स को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग वन प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी डी एक्स ऑफ लॉग वन प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स। देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका लॉग वन प्लस एक्स है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए लॉग वन प्लस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और माइनस लॉग वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, डी डी एक्स क्या होगा, लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो एक्स प्लस वन का क्या होगा, वन बाई वन प्लस एक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक बटे दो को बाहर करिए, यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस वन प्लस एक्स। अब ये बचा इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको ऐसे ही लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक बटे दो। अब ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और एक हटा देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन को जो वन जोड़ा हमने, वन घटाया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को इकट्ठा और प्लस वन को अलग करके रखा हुआ हमने, और अपान वन प्लस एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो तरीके हैं, आप चाहें तो भाग दे लें या तो एडजस्ट करिए। अभी इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको एक साथ लिया हमने। तो देखिए यहाँ पे तो कोई परिवर्तन नहीं, जो ऊपर लिखा हुआ है हम वही का वही लेंगे।
माइनस एक बटे दो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान वन प्लस एक्स, इसको हमने अलग किया और उस प्लस वन वाले को प्लस वन अपान वन प्लस एक्स डी एक्स, देख लीजिए सबका इंटीग्रेशन। फिर इसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे पहले को। देखिए पहला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग वन प्लस एक्स, अब माइनस एक बटे दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, और वहाँ प्लस वन अपान वन प्लस एक्स डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक बटे दो इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस वन से क्या हुआ, कट गया, तो एक्स माइनस वन प्लस वन अपान वन प्लस एक्स डी एक्स। आगे देखिए यहाँ देखिए ये जैसा है वैसा ही हमने लिख लिया यहाँ, और यहाँ ऊपर x प्लस वन नीचे x प्लस वन कटा तो क्या बचा, x माइनस वन बचा, प्लस वन अपान x प्लस वन या वन प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ x स्क्वायर लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक बटे दो, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस वन का क्या होगा एक्स होगा, वन अपान वन प्लस एक्स का क्या होगा लॉग मॉड वन प्लस एक्स प्लस कॉन्टेंट सी। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक बटे दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स प्लस कॉन्टेंट सी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सीधे था इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, अब आपको सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा था कि दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, क्योंकि सीधे सीधे दो फंक्शन का गुणा करके ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है तो हम उसको सबसे पहले ये देखते हैं कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए और किसको सेकेंड। इसके लिए हम हेल्प किसकी लेते हैं, हम जो है आइलेट का हेल्प लेते हैं और तब इसको इंटीग्रेट करते हैं। आगे देखिए एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग टू एक्स। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन, सीधा सीधा क्वेश्चन ये हमें पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाइज पार्ट्स का है, क्योंकि दो फंक्शन, एक एलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ क्या है आपस में गुणा है। देखिए इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें चूज करना है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए और किसको सेकेंड फंक्शन माना जाए। तो आईलेट का हम सहारा लेते हैं, आईलेट आपका क्या है आई एल ए टी ई, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ दो टाइप के फंक्शन है, एक तो एलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो देखिए ए से पहले एल आ रहा है तो एल फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन और एलजेब्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन माना जाएगा। अब दो फलन के गुणन का हम सूत्र लगाएंगे, दो फलन के गुणन का फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन, ये होता है। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन क्या है लॉग एक्स, तो लॉग टू एक्स, तो ये हो गया आपका लॉग टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी डी एक्स ऑफ लॉग टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स और फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन यानी डी एक्स। यहाँ देखिए लॉग टू एक्स, इस पर तो कुछ प्रोसेस हुआ नहीं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स पे पावर फोर अपान फोर,
ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए लॉग एक्स का डी डी एक्स, लॉग टू एक्स का डी डी एक्स, लॉग टू एक्स का क्या होगा वन अपॉन टू एक्स, और फिर टू एक्स का करेंगे तो क्या होगा एक्स का वन हो जाएगा, टू कॉन्टेंट है बाहर रहेगा तो केवल टू, और यहाँ एक्स क्यूब का क्या होगा एक्स क्यूब का होगा एक्स पे पावर फोर बाई फोर। नीचे आइए यहाँ पर देखिए हम एक्स पे पावर फोर बाई फोर को थोड़ा पहले लिख रहे हैं, तो एक्स पे पावर फोर बाई फोर लॉग टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, क्यों कहाँ से आया एक्स क्यूब डी एक्स, देखिए यहाँ दो से दो कट गया, यहाँ एक्स पे पावर फोर है तो यहाँ एक्स है तो एक घात इसका कम हो जाएगा यानी एक्स क्यूब डी एक्स, और वन अपॉन फोर कॉन्टेंट है बाहर चला गया, यहाँ एक्स पे पावर फोर बाई फोर लॉग टू एक्स जैसा वैसा लिखते आ रहे हैं हम, माइनस एक बटे चार एक्स पे क्यूब का, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स पे पावर फोर अपॉन फोर प्लस कॉन्टेंट सी, ये हो गया एक्स पे पावर फोर अपॉन फोर लॉग टू एक्स माइनस एक्स पे पावर फोर अपॉन सिक्सटीन प्लस कॉन्टेंट सी। तो इस तरह से आपने देखा जो क्वेश्चन दिया हुआ है दो फंक्शन का आपस में जुड़ा हुआ है गुणा किया हुआ है, हमें क्या करना है आइलेट का हेल्प लेते हुए हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला होता है उससे। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी कोशिश होगी ई टू द पावर एक्स दिया है एक और फंक्शन दिया हुआ है, तो पहली कोशिश होगी हमारी इसमें कि हम क्या करें दिए हुए क्वेश्चन को दो इंटीग्रेशन में पहले तोड़ें, ठीक है तोड़ रहे हैं। अभी नीचे क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो क्या ऊपर वाले को बनाया जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन में टू एक्स जोड़ के टू एक्स हटा देंगे, यानी कितना जोड़ रहे हैं जीरो, तो ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, अब यहाँ से यहाँ तक लीजिए यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, और माइनस टू एक्स ऑलरेडी है ही अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए धीरे धीरे हम उसी तरफ हैं कि इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ा जाए, देखिए अब हम क्या करेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये एक जगह और ये टू एक्स वाला एक जगह, यानी दोनों को दो इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे। अब देखिए ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ऊपर देखिए आप यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से कट गया, अब ई टू द पावर एक्स डी एक्स यहाँ क्या बचा ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस टू, यहाँ पे देखिए टू कॉन्टेंट था बाहर ले लिया हमने, अब क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए अभी भी यहाँ एक काम किया जा सकता है वो क्या है, यहाँ ऊपर वाले एक्स में वन जोड़ेंगे वन घटा देंगे तो फिर एक्स प्लस वन आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी एक्स प्लस वन है तो हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। अब देखिए अगले स्टेप में क्या है, इसी एक्स में हमने क्या किया यहाँ